उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह 9 बजे से खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा होगी और इस दौरान इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ध्वजा पूजन करेंगे और इसके बाद गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। खजराना गणेश के बाल स्वरूप का 3 करोड़ रुपए के आभूषण से श्रृंगार किया गया है, जिसमें 1 किलो सोने से बना मुकुट भगवान गणेश को पहनाया गया है। इतना ही नहीं, 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के खजराना गणेश के दर्शन करने की भी संभावना जताई जा रही है और यहाँ भगवान गणेश के आप दिव्य दर्शन कीजिए और श्री खजराना गणेश इंदौर का ये प्रसिद्ध धाम जो भगवान गणेश का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ भगवान गणेश की छवि देखते ही बन रही है। और बप्पा के आने पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बाजारों में गणपति जी की मूर्तियां सजी हुई हैं, वहीं मुंबई में लाल बागचा राजा का भी पंडाल सज चुका है और इस पंडाल में लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और ये भगवान गणेश के उत्सव के दिन और 10 दिन जहां लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और भगवान गणेश का ये भव्य और दिव्य रूप जिसे निहार कर निहाल हो जाते हैं और हमारे सहयोगी मिथिलेश और हमारे सहयोगी रवि रमन दोनों ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में आज विशेष तैयारियां चल रही हैं, इसलिए पहले इंदौर चलते हैं जहां पर मिथिलेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मिथिलेश, भगवान गणेश की आराधना के लिए खजराना गणेश धाम तो यूं भी प्रसिद्ध है और अब गणेश चतुर्थी भी है, ऐसे में किस तरह का उत्साह है यहाँ पर? देखिए, इस वक्त मैं खजराना गणेश मंदिर में मौजूद हूँ और सबसे पहले दर्शकों को खजराना गणेश के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए, खजराना गणेश भगवान के जो गर्भगृह के पट हैं वो रात को 12 बजे ही खोल दिए गए हैं और सबसे पहले खजराना गणेश के दर्शन कराते हैं। ये आकर्षक श्रृंगार किया गया है, बाल स्वरूप में श्रृंगार किया गया है खजराना गणेश का और लगभग 3 करोड़ रुपये के स्वर्ण आभूषण से गणपति बप्पा का श्रृंगार किया गया है और रात 12 बजे ही 1.25 लाख मोदक का भोग प्रसाद भगवान को समर्पित किया गया है, उन्हें अर्पित किया गया है। यहाँ की जो मुख्य पुजारी हैं अशोक मटजी, उनसे बातचीत करेंगे। आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्या खास विशेष पूजन हवन होगी? आज भगवान गणेश जी महाराज का जन्म उत्सव है, 10 दिवसीय श्री गणेश जन्म उत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज रात्रि से ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और आज लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु यहाँ भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। खजराना गणेश भगवान को लेकर ये कहा जाता है ये सुपर सेलेक्टर है, भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, खासतौर पर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन भी हमेशा यहाँ की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। जी, भगवान गणेश जी महाराज भारतीय क्रिकेट टीम के सुपर सेलेक्टर है ऐसा बताते हैं। आज जिनके रहने जी यहाँ आए थे उन्होंने बोला था कि भगवान से प्रार्थना की और मेरा सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आते हैं इंदौर में वो सब भगवान गणेश जी महाराज के दर्शन करने आते हैं। इंदौर में हर कोई भी व्यक्ति आता हो, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, नेता हो, आम सामान्य जन हो, सब खजराना गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए इंदौर आए तो जरूर आते हैं। ध्वजा पूजन का क्या खास महत्व, क्योंकि ध्वजा पूजन के साथ ही गणेश उत्सव शुरू होता है? आज यहाँ पर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर द्वारा सरकारी पूजन किया जाएगा और ये सरकारी पूजन साल में 2 बार होता है, एक 10 दिवसीय गणेश उत्सव में और एक 3 चतुर्थी पर। इसमें मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा ध्वज पूजन किया जाता है और इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। साथ ही यहाँ पर 1.25 लाख मोदकों का भोग भी भगवान को लगाया जाएगा। इस बार विशेष श्रृंगार भी किया गया है, ये फूल जो है अलग अलग जगह से बुलाए गए। भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ ओरिजिनल फूलों से श्रृंगार होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से श्रृंगार होता है और स्वर्ण आभूषण जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है उससे भगवान को सजाया जाता है और ये स्वर्ण आभूषण साल में 2 बार ही भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जो ट्रेजरी में रखते हैं और इसके लिए 1 चाल का गार्ड भी लगता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, कैसे पूजन पाठ करना चाहिए? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, भगवान गणेश जी महाराज को मोदक बहुत ही प्रिय है और उनको मोदक अर्पण करने से वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और
आशीर्वाद देते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ को लेकर ऐसी एक मान्यता है कि हर साल भगवान गणेश बड़े हो रहे हैं, उनकी मूर्ति का आकार बढ़ता जा रहा है। जी, ये मूर्ति है, ये 3.5 फुट की मूर्ति थी और भगवान गणेश जी महाराज को रोज 1.25 किलो घी और 1/2 किलो सिंदूर रोज लगाया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है, उससे तिल तिल कर ये मूर्ति बड़ी होती जा रही है। पहले ये 2.5-3 फुट की मूर्ति थी और अब लगभग 4.5 फुट की है गणेश जी महाराज की मूर्ति। आज रात कितने बजे तक श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर सकेंगे? आज रात को 12 बजे तक का टाइम है, पर अगर ऐसी भीड़ वगैरह ज्यादा रहती है तो उसको टाइम को बढ़ा के और 1:30 बजे तक भी कर सकते हैं। टाइम बढ़ा के 1:30 बजे तक कर दिया जाएगा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए। और देखिए, सुबह का वक्त है और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त खजराना गणेश मंदिर में कितनी भीड़ है और यहाँ की लोकप्रियता इस बात से समझी जा सकती है कि दुनिया की सबसे महंगी प्रसाद दुकान काउंटर जो है वो खजराना गणेश मंदिर परिसर में है। 1,72,00,000 रुपए की 70 स्क्वायर फीट जो दुकान है वो यहाँ पर है, यानी 2,50,000 रुपए स्क्वायर फीट, और जिसे कहा जाता है दुनिया की सबसे महंगी दुकान है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और सबसे खास बात है, फिल्म एक्ट्रेस सारा अली खान जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो खजराना गणेश के दरबार में जरूर पहुंचती है। तो चाहे फिल्म अभिनेता हो, क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्तियां हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, आम हो या खास हो, यहाँ पर खजराना गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। करीब 1735 में मंदिर की स्थापना की गई थी। जो प्रणाम है वो भगवान गणेश को किया जाता है, देवों के देव महादेव के ये पुत्र हैं और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान गणेश को माना जाता है। और यूं भी खजराना गणेश की महिमा निश्चित रूप से एक लोगों में अलग उत्साह और भक्ति का जो भाव भरती है, इंदौर खींच लाती है, चाहे वो फिल्म स्टार हों, क्रिकेटर्स हों, मिथिलेश ये जगह ही अपने आप में इतनी निराली है। और आप भी इतने सौभाग्यशाली हैं कि सुबह सुबह चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के शरण में आप पहुंच गए। आपके पास फिर लौटेंगे, इस वक्त हमारे साथ रवि रमन हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। रवि, आप जहां पर मौजूद हैं मंदिर में काफी साज सज्जा दिखाई दे रही है, उत्सव की तैयारी है यहां पर भी? जी आशीष, जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि इस समय पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है और भिंड का, ग्वालियर चंबल संभाग का भिंड भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं भिंड शहर के ऐतिहासिक गौरी सरोवर किनारे स्थित प्राचीन गणेश मंदिर पर। यहाँ गणेश भगवान की जो मंदिर है, यहाँ की मान्यता है कि ये मंदिर जो है वो पराक्रमी राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान के द्वारा बनाए गए थे मंदिर। उनमें बनखंडेश्वर महादेव मंदिर जो प्राचीनतम मंदिर है 11वीं सदी का, उसी के पास स्थित ये गौरी सरोवर तट के निकट स्थित है प्राचीन गणेश मंदिर। यहाँ पर गणेश भगवान की जो प्रतिमा है वो बहुत विशाल प्रतिमा है और हम यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ प्रसाद के काउंटर भी सज चुके हैं और मंदिर में भक्तों का भी लगातार तांता लगा हुआ है। और मैं आपको इस प्राचीन मूर्ति के दर्शन कराने के लिए इस वक्त सीढ़ियों पर पहुँच गया हूँ और अब से कुछ ही क्षण में आपको हम भगवान गणेश के दर्शन कराएंगे। और बताया जाता है कि एक रात में 100 से अधिक मंदिर बनाए गए थे, उसी समय का यह मंदिर है और यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी हैं वो इस समय मौजूद हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है वो बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर गणेश जी भगवान का श्रृंगार किया गया है। और यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे बात जानना चाहेंगे। महाराज जी, कितना पुराना मंदिर है ये? पृथ्वीराज चौहान के जमाने का मंदिर है जी। ये 107 मंदिर एक साथ बने थे जी, गौरी किनारे। भगवान का आज के किस तरह आपसे किया गया है? दूध, दही, गंगा जल, शहद, पंचामृत से आपसे हुआ था जी। उसके बाद श्रृंगार। तो आज कितनी गणेश चतुर्थी को लेकर क्या तैयारियां की गई है मंदिर में? जी, तैयारी आप फूल देख रहे हैं सब और कीर्तन वगैरह होंगे। 12 तारीख से श्री गणेश पुराण का आयोजन है। कितने दिन से तैयारियां जुटाई जा रही थी इस मंदिर की? करीब 10-15 दिन से। अच्छा, ये बताया जाता है कि ये मोटे गणेश जी के नाम से भी बोलते हैं, क्या है जी? क्या है, मोटे जाना है, बड़े जाना है, इसलिए इनका नाम मोटे गणेश जी है। अच्छा, पूरे भिंड में मोटे गणेश जी के नाम? हाँ, पूरे भिंड में। अच्छा, गणेश भगवान का जो प्रसाद है वो भक्त जो लगाते हैं वो क्या इनका मुख्य प्रसाद है? मोदक है, लड्डू है। अच्छा, बताया जाता है कि जो बनखंडेश्वर महादेव उसी गौरी तट के किनारे स्थित मंदिर है, कितना प्राचीन होगा ये मंदिर? लगभग 1,000 वर्ष पुराना। 1,000 वर्ष पुराना। हाँ। तो हमारे साथ जो मंदिर के पुजारी हैं वो इस समय मौजूद हैं, भक्तों का भी लगातार तांता लगा हुआ है, भक्त भी हमारे साथ हैं। क्या महिमा है, आप सुबह से ही गणेश मंदिर आए हैं? दर्शन करने के लिए आए हैं, आज गणेश चतुर्थी है जी।
वो भगवान के दर्शन करना बहुत अच्छा माना गया है, इस वजह से। बिल्कुल, भगवान गणेश सभी के विघ्न को हरते हैं और मंगल करते हैं, इसलिए मंगल करता